हाँ तो दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, आज के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्राइडे के दिन शाम 6 बजे हम एक सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल नॉलेज के बारे में बताया जाता है। आज का हमारा विषय है कि बढ़ते हुए वजन से क्या निसंतानता हो सकती है। इस मौजूद पे हम बात करना चाहेंगे कि निसंतानता का कारण कहीं बढ़ता हुआ वजन तो नहीं। हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को आज ये बताना चाहूंगा कि निसंतानता का कारण बढ़ता हुआ वजन भी हो सकता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, महिलाओं में बढ़ता हुआ वजन और पुरुषों में बढ़ता हुआ वजन। आइए हम बात करते हैं पुरुषों में बढ़ता हुआ वजन किस तरह से उनकी सेक्स लाइफ को प्रभावित करता है, फिर हम महिलाओं में बात करेंगे। पुरुषों में बढ़ता हुआ वजन यानी अगर पुरुष ओबीस कैटेगरी के हो रहे हैं, यानी उनमें बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है, उनके टमी में बहुत ज्यादा टमी फैट आ रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हार्मोनल बदलाव भी आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ये देखने को मिला है कि जिन लोगों में बहुत ज्यादा वो हेल्दी हैं या बहुत ज्यादा मोटे हैं, उन लोगों में ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। उसका कारण हाइपरलिपिडीमिया होती है, यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जिसकी वजह से उनमें ब्लड प्रेशर जन्म लेता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। बढ़ते हुए वजन का कारण आपका थायराइड होता है, यानी हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, जिसकी वजह से मेल सेक्सुअल हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। आपका FSH डिस्टर्ब होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से मेल में ओलाइगोस्पर्मिया क्रिएट होती है, यानी उनमें स्पर्म का काउंट घटने लगता है, उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से मेल में मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से वो सहवास करने में अक्षम हो जाते हैं और फलस्वरूप उनको अपने पारिवारिक जीवन में वो आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती जो इस उम्र में होनी चाहिए। संबंध के अभाव में, शारीरिक संबंध के अभाव में उनको पर्टिकुलर निसंतानता का बीमारी उनको लग जाती है और उन्हें निसंतानता यानी उन्हें बच्चे नहीं प्राप्त होते। तो मेल में मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि मेल में वजन का बढ़ना मेल के हार्मोन को कम करता है, मेल सेक्सुअल हार्मोन को कम करता है, लिबिडो को कम करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर हम बात करें तो टमी फैट यानी पेट में चर्बी का होना आपको शुगर के मुंह में ले जाता है, यानी मधुमेह की बीमारी की तरफ आपको घसीटता है। तो हम सभी यंगस्टर से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग कोशिश करें कि आप अपने वजन को नियंत्रित रखें। आइए हम बात करते हैं कि वजन बढ़ता क्यों है। ये हमारी जीवन शैली का पार्ट है जो हम बाद में फॉलो अप करेंगे। तो पुरुषों में वजन का बढ़ना भी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से उनको मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं, निसंतानता होती है, बच्चे नहीं प्राप्त होते, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके अंदर आती हैं। आइए हम बात करते हैं महिलाओं में वजन बढ़ने के कारण किस तरह निसंतानता उत्पन्न होती है। हमने बहुत सारा देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स में वजन एकदम से बढ़ता है। इसका कारण PCOD हो सकता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें फीमेल में एक फॉर्मेशन बेहतर नहीं होता, उनके एक सिस्ट के रूप में ओवरी में पड़े रहते हैं, उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, उनको हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है, उनका वजन नियंत्रित नहीं होता, वजन बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से ओवम का पर्टिकुलर ओवम फंक्शन और ओवम की क्वालिटी यानी अंडाशय में बनने वाले अंडे की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, या तो अंडा नहीं निकलता या तो पूरी तरह से अंडा विकसित होता है, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फीमेल में निसंतानता यानी फीमेल इनफर्टिलिटी जन्म लेती है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी का भी कारण हमारे मोटापे से होता है और ये चीजें बेहद जरूरी हैं जिन माता बहनों में, जिन महिलाओं में अगर बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है और उनको बच्चा नहीं कंसीव हो रहा, वो बच्चा करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने वजन को नियंत्रित करें। आगे समक्ष हम आपको बात करेंगे कि हम वजन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इस विषय पर भी हम बात करेंगे आपसे पर्टिकुलर। आज हम बताना चाहेंगे कि ये सारी बीमारियां हमारी जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, यानी हमारी जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव हमने कर लिए हैं, हमने सिडेंट्री लाइफ स्टाइल कर ली है, हमारी लाइफ से एक्सरसाइज खत्म हो गई है, पर्टिकुलर इस तरह के इश्यूज हो गए हैं, तो ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से हमने अपने जीवन शैली में निगेटिव परिवर्तन किए हैं और हमें फलस्वरूप बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। अगर हम बात करें तो आज हम पाश्चात्य जीवन को अपना रहे हैं, पाश्चात्य वेस्टर्न फूड को अपना रहे हैं, जंक फूड को अपना रहे हैं, जिनकी वजह से इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो वजन का बढ़ना मेल में मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन करता है, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है।
फीमेल में ये पीसीओडी करता है, हाइपोथायरायडिज्म करता है, इरेगुलर मेंसेस करता है, जिसकी वजह से फीमेल में भी फीमेल इनफर्टिलिटी जन्म ले सकती है। तो आइए वजन को नियंत्रित करें, अपनी जीवन शैली को बेहतर करें ताकि हम जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाए, हमें संतान उत्पत्ति हो सके। आइए हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं। मैं डॉक्टर अमित सिद्दीकी आपके सुझाव को मैं आपके लिए बेहतर सुझाव लाया हूं ताकि आपकी जीवन शैली बेहतर हो सके। चलिए हम बात करते हैं फीमेल और मेल में जहां पर वजन बढ़ रहा है, आइए हम बात करते हैं हम वजन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो वजन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये व्हाइट चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। व्हाइट चीजों में सबसे पहला पॉइंट शुगर है। आप शुगर कंटेंट वाली चीजों को कम कर दीजिए, आप शुगर लेस टी पीजिए, शुगर को कम कर दीजिए, स्वीट्स कम खाइए, साथ साथ में आप शुगर का जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। साल्ट का उपयोग बहुत से कम कीजिए, घी है, डालडा है, इन सारी चीजों का सेवन आप कम से कम करें। साथ में आप जंक फूड को जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा आपका वजन नियंत्रित रहेगा। मैं ये जो सिस्टम पुरुष और महिलाओं दोनों पे लागू होता है, अगर वो अपनी जीवन शैली को बेहतर बना पाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। वजन की वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, वजन की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, वजन की वजह से मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, वजन की वजह से फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, वजन की वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी हो रही है। तो ये सारे वजन यानी एक्सेस वेट की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वजन को नियंत्रित करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको कोशिश करनी होगी कि आप मोटा अन्न खाना शुरू करें। इसके लिए आप गेहूं है, जौ है, चना है और मक्का है, इसके आटे का इस्तेमाल करें, जिसको आप इंग्लिश में मल्टीग्रेन आटा कहते हैं। ये मार्केट में भी अवेलेबल है, मल्टीग्रेन आटे का आप इस्तेमाल करें। वेस्टर्न फूड, पिज्जा, चाउमीन, ऐसी चीजों से आप बचने की कोशिश करें। आप नेचुरल फ्रूट सलाद आप ज्यादा से ज्यादा खाएं। अपने खाने में फ्रूट्स का इस्तेमाल यानी फलों का इस्तेमाल करें, साथ साथ में सब्जियों का आप सलाद खा सकते हैं। ये सारी चीजें आपके वजन को नियंत्रित करती हैं। सुबह आप मॉर्निंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। जो महिलाएं जिनको डांस में दिलचस्पी है वो डांस कर सकती हैं, उससे भी काफी वजन घटता है। पर्टिकुलर आपको डाइटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी कैलोरी कट करने की आवश्यकता है। आप एक्सेस कैलोरी खाते हैं जिसकी वजह से आपका वजन नियंत्रित नहीं होता, वजन बढ़ता ही जाता है। तो आप पर्टिकुलर कोशिश करें कि आप अपने वजन को किस तरह नियंत्रित कर पाएंगे, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। वजन को अगर आप नियंत्रित करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर आप मेल हैं तो आपका सेक्सुअल फंक्शन काफी अच्छा हो जाएगा, आपके लिंग में काफी हार्ड इरेक्शन आएगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे, आपको ओवम फॉर्मेशन बेहतर हो जाएगा, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें आपके बेहद मेंटल स्वास्थ्य के लिए यानी मेंटल हेल्थ के लिए भी वजन का नियंत्रित होना बेहद जरूरी है। ये कहा जा रहा है कि अगर आपका वजन नियंत्रित रहता है तो आपको पर्टिकुलर जो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन्स में निकलते हैं वो भी बहुत ही अच्छी मात्रा में निकलते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरी तरह से कोई भी ऐसी मानसिक बीमारियां, मानसिक व्याधियां नहीं होती हैं। तो आइए हम वजन को नियंत्रित करने के लिए अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करें। हम रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, इसको आपको समझने की आवश्यकता है और पूरी तरह से आप इसको अपनी जीवन शैली में बदलाव करके आप पूरी तरह से अपने आप को बदल सकते हैं। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, निशा हेल्थ केयर आपकी सेवाओं में तत्पर है। हर फ्राइडे के दिन शाम में 6 बजे हम आपसे मिलते रहेंगे बहुत सारी सेक्स जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हम उनको आंसर देना चाहेंगे। हमारे एक दर्शक ये कह रहे हैं कि हम मेल, हमारी उम्र 24 साल है, मेरे जननांग छोटे से लगते हैं, पर्टिकुलर मेरे पेट में बहुत ज्यादा चर्बी है, इतनी ज्यादा चर्बी है कि वो चर्बी का पोर्शन यानी हमारे प्यूबिक तक आता है, क्या वजन नियंत्रित करने से मेरे लिंग साइज में परिवर्तन हो सकता है? जी हाँ सर, अगर आप अपना वजन नियंत्रित करते हैं तो आपका लिंग में ब्लड फ्लो बेहतर हो जाएगा और आपके लिंग में बेहतर टाइटनेस आएगी और साथ साथ में आपके लिंग के साइज में भी
वृद्धि हो सकती है, 1 से 2 सेंटीमीटर ग्रोइंग हो सकती है। तो कभी कभी प्यूबिक फैट की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। इंग्लिश में हम इसे बरीड पेनिस कहते हैं पर्टिकुलर। तो आप कोशिश करें कि आप पर्टिकुलर अपने वजन को जरूर नियंत्रित करें, मीठा चावल चिकनाई चीजों से आप परहेज करें। दूसरी दर्शक हमारी एक महिला दर्शक है जो ये क्वेश्चन पूछ रही है कि सर मुझे बहुत ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसकी वजह से मुझे मेरा वेट बहुत बढ़ा हुआ है, क्या मुझे थायराइड की गोली हमेशा खानी पड़ेगी? नहीं मैडम, आपको थायराइड की गोली तब तक खानी पड़ेगी जब तक आपका थायराइड बढ़ा हुआ है। आप अपने जीवन में जीवन शैली में परिवर्तन करें, अपने खानपान में परिवर्तन करें और उसके बाद में हम थायराइड की गोली को धीरे धीरे बंद करते हैं। अगर आपको थायराइड है जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है तो आप योगा में भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम बहुत आसान है, मैं आपको करके बताता हूं। आपको आंख बंद करनी है और आपको गले से ओम या ऊं की आवाज निकालनी है, जिस तरह भंवरा भ्रमर करता है आप इस तरह करेंगे। आप देखेंगे कि जब आप इस ऊं की आवाज करते हैं तो यहां पर थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होती है जिसकी वजह से आपका थायराइड लेवल काफी हद तक बेहतर हो जाता है। तो ये चीजें बेहद जरूरी हैं कि आप पर्टिकुलर योगा से भी आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ साथ में अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें, उससे आपको जरूर कंसीविंग होगी। थायराइड कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जिसे नियंत्रित ना किया जा सके। अगर थायराइड की वजह से आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करें आपका हार्मोन TSH 3 से नीचे हो जाए, उससे आपको फर्टिलिटी बेहतर हो जाएगी। उसके लिए आप दवा भी खाइए, एक्सरसाइज भी कीजिए, जीवन शैली में परिवर्तन कीजिए। मैं डॉक्टर में सिद्दीकी निशा हेल्थ केयर आपकी सेवाओं में तत्पर रहेगा। हम फिर मिलेंगे फ्राइडे के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, थैंक यू।